फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है कोर करिकुलम के इम्प्लीकेशंस जानेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हो कि कोर करिकुलम होता क्या है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, दो तरह के करिकुलम होते हैं, एक होता है कोर करिकुलम और एक होता है हिडन करिकुलम। ठीक है, कोर करिकुलम क्या होता है? कोर करिकुलम जो है वो सब्जेक्ट्स जो हमें पढ़ाए जाते हैं, जो हमें सब्जेक्टिव नॉलेज मिलती है ना, जैसे कि आपको सोशल साइंसेज पढ़ाई जाती हैं, साइंस पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, जो भी आपको कंटेंट की नॉलेज दी जाती है उसे कोर करिकुलम कहते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके फीचर्स जानने हैं, करैक्टरिस्टिक्स वगैरह, या हिडन करिकुलम क्या होता है, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो। सो कोर करिकुलम के आज हम इम्प्लीकेशन जानेंगे। तो सबसे पहला कोर करिकुलम का इम्प्लीकेशन क्या है कि हमारा जो गोल है, जो हमारा पर्पस है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम कोई भी अगर हम एजुकेशन जैसे है, उसके लिए कोई भी कंसेप्ट है, उसका कोई ना कोई पर्पस होगा ना। आपको जैसे सिक्स्थ में एक सब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है आगे आपको सेवन्थ में कुछ चैप्टर्स होते हैं, आपको पहले पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट जो है आपको, आपने देखा होगा कि कोई भी क्लास है, चाहे सेवन्थ शुरू हो रही है चाहे एट शुरू हो रही है, तो आपको एग्जांपल दी जाती है कि आपने सिक्स में पहले ये पढ़ा था, तो आपको अब आगे मतलब कि रिकॉल करवाया जाता है। या आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि जब आप स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हो, तो बच्चों की सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करते हो, फिर ही जो है सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट करते हो। तो इसी तरीके से आपके गोल्स क्या हैं, आपके पर्पस क्या हैं, वो सब आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आपका मेन टारगेट है क्या, कि आपने बच्चों को पढ़ाना क्या है, समझाना क्या है। ठीक है, मेन आपका जो है पर्पस क्या है, तो इसलिए आपको आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अ रैशनल सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, सीक्वेंस फॉलो करने का मतलब है कि जैसे आपको पहले एडिशन सिखाई जाती है, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाई जाती है, फिर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिखाई जाती है, फिर उसके बाद जो है आपको जो है डिवीज़न सिखाई जाती है। तो इसी तरीके से एक चलता है ना, जैसे पहले ए सीखते हो, फिर बी सीखते हो, फिर सी सीखते हो, तो इसी तरीके से करिकुलम में भी होता है कि सब्जेक्ट मैटर ऐसे तैयार किया गया होता है, चाहे कोई भी क्लास है, ताकि बच्चा जो है उसको इजीली सीख पाए, और एक उसका सीक्वेंस होता है। ठीक है, कि सिक्स क्लास में जो है ये सिखाया जाएगा, सेवन्थ में ये सिखाया जाएगा, एट्थ में ये सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट। अब ये कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट क्या है, आप देखते हो कि अगर आप बच्चों को पढ़ाने गए हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि अगर आपने एक चैप्टर बच्चे को समझा दिया है, ठीक है, उसके बाद आप यूनिट टेस्ट रखते हो, फिर उसके बाद जाके जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो इसी तरीके से कॉन्टीन्यूसली असेस करना है, ताकि हमें पता चले कि हम जितना पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारे पढ़ाने में क्या कमी रह रही है, या बच्चे के समझने में क्या कमी रह रही है। ठीक है, कमी दोनों साइड हो सकती है, तो हमें जो है दोनों साइड्स को लेके चलना है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। हमें हमेशा ही क्या करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अब आप कहोगे कि क्वालिटी बार बार कैसे इम्प्रूव होती है, आप एग्जांपल ले सकते हो कि पहले जो है ऑफलाइन लर्निंग होती थी, है ना, मतलब अब तो चलो ऑफलाइन लर्निंग का ट्रेंड जो है ऑनलाइन लर्निंग ने ले लिया है, या फिर ब्लेंडेड लर्निंग चलती है कि ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, है ना। तो आप देख सकते हो कि पहले जो है क्या होता था, ब्लैक बोर्ड वगैरह ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, अब जो है टेक्नोलॉजी आगे इम्प्रूव हुई है, अब जो है उनकी जगह पे आप देख सकते हो कि पीपीटीज़ वगैरह चलाने के लिए बोर्ड्स वगैरह, वाइट बोर्ड्स या दूसरे बोर्ड्स जो हैं लगाए जाते हैं, ताकि बच्चा जो है वो एनिमेशन से सीख सके। ठीक है, तो क्वालिटी जो है हमें हमेशा इम्प्रूव करनी है, वो सब हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है ताकि वो सीख सकें। नेक्स्ट है मेकिंग स्ट्रेटजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। आप देखते हो कि अगर आपको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाना है ना, तो आप सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि मैंने ये चैप्टर बच्चे को पढ़ाना है, तो पहले मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या क्या ये बच्चे को आता है, फिर उसके बाद जो है मैं ये स्टार्ट करूंगा, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है टीचिंग और लर्निंग में, ताकि बच्चे जो है इजीली लर्न कर पाएँ। ठीक है, कोर करिकुलम मीन्स कि ये सब्जेक्टिव नॉलेज की बात हो रही है, कि बच्चा जो है सब्जेक्ट की नॉलेज ले सके। फिर है हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कोर करिकुलम जो है क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ताकि हम लर्न कर सकें और एक्सपीरियंस गेन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड। जो कोर करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, इसकी मेन इम्प्लीकेशन है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये जो है टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशनल सिस्टम इसमें नहीं चलेगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा तभी बच्चा जो है वो
लर्न कर पाएगा, सीख पाएगा, नॉलेज जो है वो गेन कर पाएगा। क्योंकि अब जो है सिर्फ क्रैम करना नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ को हमने पढ़ लिया बस पेपर दिया है, अब क्या है उस चीज़ को समझना मेन मोटिव है कि बच्चा अगर समझेगा तभी जो है उसको वो लर्न कर पाएगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है उसकी तभी हो पाएगी। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड सोसाइटी डिवेलपमेंट। अब करिकुलम में जो है, चाहे हमारा जो कोर करिकुलम है उसमें हमें ऐसे सब्जेक्ट्स और ऐसे जो हैं टॉपिक्स ऐड करने चाहिए जिससे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो और सोसाइटी की भी जो है डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बच्चों में जो है आपने देखा होगा कि ब्रदरहुड की भावना जो आए सभी में, कोऑपरेटिवली रहें, ठीक है, कोऑर्डिनेट करें सभी के साथ, या हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, सभी जो है मिलके रहें, किसी के साथ भेदभाव ना किया जा सके। तो आपने ये सारे टॉपिक्स जो है ना कहीं पढ़े होंगे, जैसे सोशल साइंसेज में पढ़ाए जाते हैं, तो ये सब जो है हमारा कोर करिकुलम का जो है पार्ट है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव नॉलेज। ये तो मैंने आपको बोल ही दिया था कि मेन है, मेन इसके इम्प्लीकेशन ही क्या है, ये एक सब्जेक्टिव नॉलेज है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, सब्जेक्ट नॉलेज। एक कोर करिकुलम होता है और एक होता है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये जो कोर करिकुलम है इसमें सब्जेक्ट का मेन मैटर और मेन सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। करिकुलम आप जो है कोर करिकुलम का मेन मकसद क्या होता है कि सभी जो हैं एक बच्चे को जो है कंटेंट ऐसा पढ़ाते हैं ताकि बच्चा जो है वो दूसरों के साथ कैसे मिलना है, कैसे दूसरों के साथ बातचीत करनी है। एजुकेशन का तो मेन मतलब यही होता है ना कि हम दूसरों के साथ जो है बात करना सीखें, कैसे हमें बिहेव करना है, मैनरिज्म जो है सिखाई जाती है एजुकेशन से। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स जो हैं बने दूसरों के साथ। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेंट। अब कोर करिकुलम में जो सब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत रिजिड हो, मीन्स कि अगर एक टॉपिक है अगर नीड के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो सकता हो तो उसे चेंज करना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे हम जो है अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि बच्चा जो है इजीली सीख पाए, तो इसी तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि टाइम के अकॉर्डिंगली जो है चेंजेस आ सके और बच्चा जो है इजीली लर्न कर पाए। क्योंकि मेन मतलब जो है कोर करिकुलम के सिखाने का यही है कि बच्चे को सिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन स्कीम ऑफ स्टडीज़। कॉमन स्कीम ऑफ स्टडीज़ मीन्स कि मोस्टली चाहे सारे सब्जेक्ट है, चाहे साइंस है, चाहे मैथ्स है, चाहे सोशल है, मेन क्या है उसमें एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो एक स्कीम कॉमन स्कीम चलती है, चाहे मैथ्स में आपको जो सब्ट्रैक्शन वगैरह सिखाई जाती है, सोशल साइंसेज में जो है आपको इक्वालिटी वगैरह सिखाई जाती है, और चाहे साइंसेज में आपको जो है लॉजिकल नॉलेज जो है दी जाती है। तो इसी तरीके से स्कीम मेन क्या है कि बच्चे के डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है 13th एम्फेसिस ऑन पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। इसमें हमने क्या देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा पढ़ाना। ठीक है, उसकी पर्सनल नीड्स क्या हैं। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल दूँ कि बच्चा जो है वो 7th क्लास का है और अगर मैं उसको 9th क्लास का पढ़ाई जाऊँ, ठीक है, उसको समझ में आएगा नहीं ना। तो इसी तरीके से जो भी हमारा करिकुलम बनता है, चाहे वो 6th स्टैंडर्ड का हो, 7th का हो, तो वो इस अकॉर्डिंग बनता है कि बच्चे के इंटरेस्ट इस एज में क्या क्या हैं, बच्चे की नीड्स क्या क्या हैं, हमें जो है बच्चे को कितनी नॉलेज देनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से सोशल नीड्स और इंटरेस्ट भी फुलफ़िल की जाती हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है और बच्चों को जो है क्या क्या हम सिखाएं ताकि हमारी जो है सोसाइटी भी डिवेल्प हो सके। क्योंकि बच्चे जो हैं आगे बड़े होंगे, आगे जो है अपने दूसरों के साथ बातचीत करेंगे और उनके और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो इसी तरीके से इसकी मेन जो है इम्प्लीकेशंस आज हमने जानी है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।